फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ बढ़िया से बढ़िया, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज की। तो हम आ गए हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो वीडियो का टॉपिक आज का ये है, हमारे एक दोस्त हैं फौजल भाई, जो बदायूं में रहते हैं, ज़िला बदायूं चंदौसी में रहते हैं। तो उनका ये सेटअप है, आज नया नया सेटअप लगाया उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी वीडियो अपने चैनल पर आप अपलोड करें। तो मेरे दोस्त भी हैं वो, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वो। और उन्होंने जब कॉलोनी बनाई थी तब भी मुझे वीडियो शेयर करी थी और अपनी मतलब फ़ोटो भी सेंड करे थे। तो ये इन्वायरमेंट देख सकते हो आप इनके घर का, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। शुरुआत में भी देखा होगा आपने, घर के बाहर इनके थोड़े हरियाली है, घर के बराबर से ग्रिल के इन्होंने सेटअप बनाया है। और घर के बिल्कुल दरवाजे के बराबर में थोड़ी जगह थी इनके पास पड़ी हुई, तो उसी में ये सेटअप बनाया है इन्होंने। और थोड़ी हरी भरी जगह है, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा दे रखा है इन्होंने, ताकि बर्ड्स बहुत अच्छे रहें, इनके एक्टिव रहें। तो अभी ये नए ला के इन्होंने छोड़े हैं, इन्हें कम से कम एक आध हफ्ता हो गया इन्हें लाए हुए। तो इन्होंने बर्ड्स छोड़ रखे हैं कॉलोनी के अंदर अपनी। कॉलोनी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो एक साइड में भी है और मतलब ना जगह घिर रही है घर की ना कुछ, मतलब साइड में एक जगह पड़ी थी इनके पास, तो उसी में इन्होंने एडजस्ट कर दी कॉलोनी। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप लगा मुझे तो। और देख सकते हैं आप इनके पास ये कुछ बजीज हैं इनके पास, कम से कम इनके पास 9 पेयर बजीज के हैं और 4 पेयर इनके पास फिंच के हैं और 1 पेयर इनके पास लब्बट का था, तो एक उसमें से उड़ गया। तो इस टाइम एक सिंगल लब्बट है इनके पास और 1 पेयर कॉकटेल का है इनके पास। मतलब सब चीज़ इन्होंने एक साथ ही छोड़ रखी है, बाद में ये सेपरेट मतलब करेंगे अलग अलग इनके। अभी मुझे बता रहे थे अलग अलग मुझे सेटअप करना है अपना सही से, अभी तो ऐसे ही छोड़ दिए ला के इसमें, इन्होंने सेटअप अपने लगाएंगे अलग। तो मैंने भी इन्हें थोड़ा गाइड करा था। और ये इन्होंने कुछ मुर्गी के बच्चे छोड़ दिए, इनके पापा ने छोड़ दिए थे, तो ये हटा देंगे इन्हें भी जल्दी। और बटेर हैं कुछ इसमें, 2 पेयर इसमें बटेर के छोड़ दिए इन्होंने। तो मैंने इनसे कहा था मैंने ये चीज़ अलग पालना आप, तो बोले ठीक है भाई मैं हटा दूंगा इनको, अभी मतलब ये छोड़ दिए ऐसी। तो इनका ये अलग सेटअप बनाएंगे मुर्गी के बच्चों का, मैंने इनसे कहा था मुर्गी के बच्चे मत छोड़ना। और अभी फिर मुर्गी के बच्चे छोड़ने का कारण मैंने इनसे अभी हवाना भी कर दिया था, मैंने अभी मत हटाना, क्योंकि अभी इस टाइम जो है बरसातें चल रही हैं, बरसातों में कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं कॉलोनियों में। तो मैंने एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया ये वाला, तो मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने कर रखा है। तो मेरे पास भी कीड़े मकोड़े पिछली बार मेरी ऊपर छत पे थी कॉलोनी, देखा होगा आपने जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने मुर्गी के बच्चे छोड़े थे, छोटे वाले चूजे जो होते हैं 5 रुपये का एक मिलता है। तो मेरे कॉलोनी के अंदर बहुत चींटी वगैरह कीड़े मकोड़े बहुत हो रहे थे बरसात से, लकड़ी की कॉलोनी थी मेरी, तो लकड़ी की कॉलोनी में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े। और इनकी भी कॉलोनी नाली है घर के सामने, तो उसमें से कीड़े मकोड़े जो भी आएंगे तो बटेर हो गई है। और छोटे वाले मुर्गी के बच्चे होते हैं कीड़े मकोड़े बहुत शौक से खाते हैं, तो एक कारण ये भी है और एक फ़ायदा भी है थोड़ा ये। मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाए तो आप उसको निकाल देना, छोटे बच्चे डालने से कोई दिक्कत नहीं होती कॉलोनी के अंदर, क्योंकि और हमारा फ़ायदा ही होता है उससे, क्योंकि बजीज तो कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं उससे, आराम से दाना पानी खाते हैं, एक आध दिन डिस्टर्ब होंगे फिर उसके बाद में आपस में घुल मिल जाते हैं वो। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, और ये इनका सेटअप है हमारे फौजान भाई का। आपको कैसा लगा सेटअप, मुझे वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, ठीक है, थैंक यू।